गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। सो दोस्तों, आप में से काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, सिलेबस में दिया हुआ है आपके में जो 25 मार्क्स का है, जिसमें जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया और कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने आपसे पहले भी बोला था, क्लासेस में भी काफ़ी बोलता हूँ मैं आपसे, तो अभी मैथ्स की क्लासेस तो नहीं हो रही ना, रीजनिंग की हो रही। तो आप एक काम कीजिएगा, मैंने ग्रुप 4 का और MP हाई कोर्ट का जो मैथ्स मैंने पढ़ाया हुआ है, उनसे जो है वो आप कवर कर लीजिएगा, उससे हो जाएगा आपका। जितने भी मैंने वहाँ पर टॉपिक कराए हैं, अगर आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 10th लेवल का ही जो है वहाँ पर बोला गया है। तो जितना आप कर सकते हो उन वीडियो के माध्यम से, ओके। और बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं पूछा जाएगा। देखिए, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा नहीं गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछें या ना पूछें। ठीक है, अगर पूछ लिया तो फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ है। तो सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। हर एक मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके जो है वो सिलेक्शन के लिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी है, ओके। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।